For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Ankita Lokhande और सुशांत सिंह राजपूत का रिश्ता सुर्खियों में हमेशा बना रहता था। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जो काफी ज्यादा पवित्र था। Of course, पवित्र रिश्ता स्टार्स अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत का ये जो रिश्ता था, लोगों ने बहुत ज्यादा इस रिश्ते को प्यार दिया। मैं बात करूँ अगर इस रिश्ते की, तो ये रिलेशनशिप जो था इनका, ये खत्म हुआ किन रीजन से, उसके बारे में आज बात करते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। इससे पहले कि मैं कुछ भी स्टोरी बताऊँ, जितनी खबरें जो बाहर आती हैं उनमें से आप कह लीजिए कि 50% खबरें शायद सच होती हैं, 50% शायद ओवर एग्जैजरेटेड होती हैं, लेकिन धुआं तभी उठता है जब चिंगारी लगी होती है ना। तो अगर बात की जाए अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की, तो ये दोनों ही लोग 6 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। दोनों ने पवित्र रिश्ता, जी टीवी के पवित्र रिश्ता में काम किया, और उसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को तमाम फिल्म्स के ऑफर आए, लेकिन एकता कपूर ने उन्हें उन फिल्म्स को साइन नहीं करने दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शो के कॉन्ट्रैक्ट में थे, यानी कि पवित्र रिश्ता में थे। इसके बाद अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत, यू नो, उन्होंने 5 साल बाद पवित्र रिश्ता छोड़ा, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब फिल्म्स परस्यू करना चाहते हैं, फिल्म्स की तरफ उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया। वो बाहर गए, वहाँ से एक्टिंग सीख कर आए, और फिर उसके बाद उन्होंने कायपोचे से कमबैक किया, अभिषेक कपूर की फिल्म कायपोचे। लेकिन इस बीच अंकिता जो है वो तभी भी पवित्र रिश्ता में लीड एक्टर प्ले कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक तरफ सुशांत जो है वो अपने आगे की जर्नी के लिए निकल गए, और अंकिता जो है वो ज़रा सा पीछे रह गई, और वो अभी भी टेलीविजन में और उसी कैरेक्टर के साथ, यानी कि अर्चना के कैरेक्टर के साथ। ऐसे में जब तक कायपोचे रिलीज हुई, अंकिता और सुशांत साथ थे। जब तक उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस आई, तभी भी अंकिता और सुशांत साथ थे। उसके बाद तमाम एक के बाद एक फिल्म्स जो हैं सुशांत सिंह राजपूत साइन करते गए। लेकिन जब एमएस धोनी तक बात आई, एमएस धोनी तक आते आते कहीं ना कहीं तब सुशांत सिंह राजपूत के हाथ रापता आ चुकी थी कृति सैनन के साथ। ऐसे में सुशांत जो है वो, उन्हें ये लगने लग गया कि शायद अंकिता उनके काम को समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि ऐसे खबरें आती थी बीचों बीच, ऐसी खबरें आती थी कि परिणीति चोपड़ा के साथ उनके किसिंग सीन को लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ था, और अंकिता अनकंफर्टेबल थी उन किसिंग सीन्स के साथ। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कृति सैनन के साथ भी जो किसिंग सीन्स है उसको लेकर भी अंकिता थोड़ी सी परेशान थी। ऐसे में अगर बताया जाए तो अंकिता जो है वो ज़्यादा पजेसिव हो गई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। वो काफ़ी उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती थी जब वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन सुशांत को लगता था कि अगर वो इस वक्त फ़ोन उठाएंगे और बात करेंगे तो वो अपने सीन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से सुशांत जो है वो उनका फ़ोन अवॉइड करते थे। अब इन सब चीज़ों की खबरें हैं सिर्फ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये रीज़न था कि सुशांत को ऐसा लगने लगा कि उनके करियर में एक हर्डल बन रही है अंकिता, क्योंकि अंकिता शायद समझ नहीं पा रही है, और वो आउट ऑफ लव, प्यार के चलते वो थोड़ा सा जो है वो पोजेसिव हो रही है, लेकिन वो पोजेसिवनेस कहीं ना कहीं सुशांत को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इन रीजंस की वजह से इन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया, जी हाँ, एमएस धोनी के रिलीज के बाद जब राबता शुरू करने जा रहे थे सुशांत, तो इन दोनों ने म्यूचुअली बैठकर डिसाइड किया कि इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। सो कुछ इस तरीके से महज 6 साल का रिश्ता, जबकि ये दोनों लिव इन में रहते थे। मैं आपको बता दूं कि सुशांत और अंकिता ये दोनों लिव इन में एक साथ रहते थे, और सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के घर के बाहर उन दोनों के नाम का नेम प्लेट भी था। बहुत जल्द 2016 में ये शादी करने वाले थे, लेकिन ये एक फिल्म फेयर मैगजीन फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन के दौरान इस बात को कहा भी था सुशांत सिंह राजपूत ने कि 2016 में वी आर गेटिंग मैरिड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसी साल इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, म्यूचुअल ब्रेकअप। तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप पर भी फिल्मी दुनिया का काफ़ी असर हुआ, क्योंकि सुशांत को लगने लगा कि अंकिता शायद समझ नहीं रही है उनके काम को, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सुशांत अपने काम से। सो कुछ इस तरीके से कुछ अनवांटेड और अननोन या अनसेड चीज़ों की वजह से रिश्ता एक ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद प्यार इन दोनों के बीच में हमेशा रहा, क्योंकि आज भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ सबसे पहले अगर किसी एक्ट्रेस का नाम लिया जाता है तो वो है अंकिता लोखंडे। सो दैट इज़ द पावर ऑफ लव। और कहीं ना कहीं सुशांत जो है वो आज भी अंकिता की उतनी इज्जत करते थे, और अंकिता आज भी सुशांत की उतनी ही इज्जत करती हैं। This is Jyoti Nahak, signing off.